तो होता है ना संडे, मुझे मिलता है सिर्फ संडे, ठीक है, जैसे छुट्टी भी तो संडे को मिलती है, लेकिन अब ये 6 दिन रहती है घर पे। अब मैं हूँ घूमने का आदि, वैसे तो मेरा मन करता है कि जैसे सब लोग सो रहते हैं वैसे ही मैं भी सोया रहूँ बिस्तर में आराम से, लेकिन इसका भी थोड़ा क्या है, 6 दिन ये घर पे रही तो इसको भी थोड़ा बहुत आउटिंग चाहिए ये निहारिका को। तो अब लखनऊ क्या है कि लखनऊ सर्दियों के टाइम में घूमने के लिए बहुत अच्छा है, गर्मियों के टाइम में तो मैं लखनऊ में कभी बाहर निकलूँ ना, कभी अगर कहीं जाएंगे तो मॉल पर जाएंगे वरना कहीं नहीं। तो सर्दियों के टाइम में लखनऊ घूमने के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पार्क हैं दबा के, जैसे जनेश्वर मिश्रा पार्क है और अम्बेडकर पार्क है, जू है लखनऊ का, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मतलब छोटे मोटे बहुत सारे, राम मनोहर पार्क है, छोटे मोटे बहुत सारे पार्क हैं। तो वैसे ही आज मैं आपको एक और पार्क पे लेके आऊँ, यही पार्क मैंने मेरे ब्लॉग में पहले कभी आया भी नहीं था, ना निहारिका ने देखा ना मैंने देखा है, पार्क बहुत पुराना। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो आप बताएगी निहारिका कि हम लोग कौन से पार्क में, बता कौन से पार्क में आए। इको पार्क। हाँ तो आज हम लोग आए हैं इको पार्क में। मैंने सोचा था कि यहीं से अम्बेडकर पार्क ना बोल दे क्योंकि थोड़ा इसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही लगभग लगभग है, बस यहाँ पर हमें ख्याल से हाथी हाथी नहीं है ऐसा है। और किराया भी इसका 15 रुपये है और ये है बिल्कुल आलमबाग और चारबाग, आलमबाग से करीब ये 6-7-5 किलोमीटर होगा और चारबाग से होगा करीब आपके 10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा इसकी दूरी। एयरपोर्ट भी बगल में है, कानपुर रोड पर है ये पार्क और काफ़ी खूबसूरत। तो आज हम लोग, हाँ तो हम लोग घूमते हैं इसके अंदर, देखते हैं यहाँ का क्या है, एक्सप्लोर करने के लिए और फ़ोटो खींचने के लिए। अगर रील्स आपको बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स बनाने हैं, फेसबुक के लिए रील बनानी है, तो ये मेरे ख्याल से पार्क काफ़ी अच्छा है। आज से हम लोग ने भी, मैंने भी एक आदि व्लॉग शॉर्ट करके एक नया चैनल शुरुआत की है, शॉर्ट मतलब वीडियोस में डालूंगा छोटे छोटे ऐसे बना के अपने ब्लॉग में, जो हम लोग रील बनाएंगे वही फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह डालूंगा ऐसे मतलब सोच रहा हूँ कि ऐसा करूँ मतलब। तो इसलिए सुबह उठ के पहले एक चैनल बनाया था मैंने, और निहारिका भी सोचते कि आपकी रसोई के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाए पहले, देखे कि मेरा सक्सेस होता है कि नहीं होता। चलिए घूमते हैं पार्क में, मेरी बगवा की चलते रहेगी वरना। तो यहाँ पे था इसका मेन गेट, उस साइड में सन है तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, उसके बाहर टिकट घर भी है, वहीं टिकट आपको दिखाना है। तो ऐसा कुछ यहाँ से है नज़ारा, अभी पार्क न जाने कितना बड़ा है, थोड़ा एक बार ऐसा घूम के आएंगे। अब इको पार्क का नाम इको का रखा, ये भी दिखाना देखना पड़ेगा कि मतलब इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये मायावती जी की देन है लखनऊ वासियों को। ये भी देखेंगे कि मतलब यहाँ पर इको पार्क अगर नाम है तो इको पार्क क्यों है। थोड़ी उस साइड को बहुत अच्छे अच्छे जिराफ वगैरह की मूर्तियाँ दिखाई दे रही थी, उस साइड चलते हैं तो पता भी लगा लग जाएगा तब तक। निहारिका बोल रही कि शुतुरमुर्ग भी है यहाँ पे। हाँ, तो है वो, ये पेड़ लगे हुए हैं ना, बोली कि ये पेड़ नकली है। तो मैंने बोला हाँ तो नकली तो है, तो बोली ना पानी क्यों डालते हैं, नकली पेड़ है पानी कहाँ डालेंगे ऊपर, एक्चुअली जो ऊपर नहीं मिट्टी नहीं, ऊपर क्या है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी लोहे का बनाया हुआ है, जो उन्होंने पट्टियाँ बना रखी हैं उसकी, देखो दूर से अच्छी, हाँ हरा रंग का लग रहा था ना। मैंने बोला ये नकली है। तो यहाँ पे जिराफ है, जिराफ के यहाँ उसका बच्चा है, शुतुरमुर्ग टाइप के हैं कुछ, और यहाँ पे देखो शेर, शेर बतख ऐसे, ये लायन, ये सब बनाए हुए हैं। हाँ हाथी भी हैं, हाथी अलग कम है, उधर बारह सिंगे हैं ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे ही बनाया हुआ है पूरा, लग तो खूबसूरत है। तो अभी जो बैक साइड से मैं आपको दिखा रहा था, मैं बोला था ना कि यहाँ पर वो घोड़ा वोड़ा सब बना हुआ है, हाथी हाथी सब, तो देखिए यहाँ पर मगरमच्छ बने हैं, उधर हाथी बने हुए हैं, उधर पर चिंपैंजी बना हुआ है, देखो ऊपर टॉप से चिंपैंजी लोगों को देख रहा है, यहाँ पर बतख है, गिरने के भी बहुत आसरे हैं भैया, 2-3 बार गिरते गिरते बच गए जमीन ना देखने के बाद। और ये पेड़ है बनाना ट्री है, केले का पेड़। हाँ तो केले का पेड़ है पर है थोड़ी वही, मतलब आकार तो वही बना बना। निहारिका मेरे को यहाँ समझा रही है कि कौन सा पेड़ है, अब पेड़ अब ऐसे के देख के कौन बताया कौन सा पेड़ है। हाँ, पता चल रहा है, बनाना ट्री है। तो देखो ऊपर लायन बैठा हुआ है और यहाँ पे भी आती है और उधर पे है गेंडा, देख रहे हो आप, ये जो हम लोग बैक साइड से देख रहे थे पहले वो हम देख अब आ रहे हैं फ्रंट साइड देखने के लिए। ये बैम्बू का पेड़ है, वो भी पूरा बना हुआ है, मतलब लोहे से ही बना हुआ है पूरा। और ये है देखिए गेंडा, छोटा बड़ा, उधर बारह सिंह,
टॉप में सारे जानवर बने हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इको पार्क। मतलब ये क्या है, नेचर से थोड़ा क्या है, नेचर से रिलेटेड है, इसीलिए इसको इको पार्क बोलते हैं। सामने वो क्या है निहारिका, वो तो मुझे नहीं पता। निहारिका बोले कि गैंडा है, गैंडा नहीं है, गैंडा तो ये था। हाँ, तो बता रहे हो, नहीं पता। गैंडे के नाक के ऊपर सिंह होती है। हाँ, उसके नाक के ऊपर सिंह नहीं है, लेकिन दांत रहे हैं, वह है दरियाई घोड़ा। हिप्पोपोटामस बोलते हैं ना, तो वो वहाँ पर दरियाई घोड़ा है। तो यानी कि लखनऊ जू के सारे जानवर, हाथी को छोड़ के लखनऊ जू में, अच्छा हाँ लखनऊ जू में कहाँ हाथी है, तो हाथी को छोड़ के सारे के सारे जानवर यहाँ उपलब्ध हैं। तो अभी तक क्या था, हम लोग घूम रहे थे ये पूरा पार्क, चारों ओर का नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत, और फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो सकती है। निहारी करने बस में मस्त फोटो खिंचा ली है, मेरा लैपटॉप का बैग अपने हाथ पर पकड़ के ऐसे घूम रही है, लोग सोच रहे हैं कहाँ जाए। तो अभी ये एक फेज है ना बीच में, पूरे पार्क के बीच में ये ऐसी जाली टाइप की लगी हुई है ऐसे ही, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर भी जाया जाए। तो इसके अंदर शायद फूल लगे हुए हैं जो निहारिका को काफ़ी पसंद है, तो ये भी देख लेते हैं क्या निहारिका जी कैसा लग रहा तुमको पार्क में घूम के। अच्छा, अब निहारिका यहाँ आके और ज़्यादा खुश होगी, अभी तो नकली भालू देख रही थी, नकली देख रही थी जिराफ, अब इसको देखने लग गए हैं असली पेड़, है ना। सब चीज़ लिया है ना। हाँ, मेरे पास हेलमेट भी है और मेरा बैग भी फिलहाल, क्योंकि हम लोग आज तक आर से, मतलब क्या, निहारिका ने मेरा हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, अभी फ़ोटो खींचने चक्कर में, फ़ोटो इंस्टाग्राम में देखना आदि ब्लॉग्स यूट्यूब करके, इंस्टाग्राम चैनल है मेरा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक आ जाएगा। हाँ, तो मैं क्या करता कि निहारिका ने हेयर स्टाइल चेंज किया हुआ है, तो निहारिका भी इसमें खुश है काफ़ी, मतलब ये पेड़ देख के, फूल देख के ये थोड़ा पगली आती है ना थोड़ा थोड़ा, मतलब तो अब यहाँ के खूब खुश हो रखी है। अरे, हम यहाँ से उतरने का नहीं रास्ता, तो यानी कि फिर कूद मारनी पड़ेगी। पार्क दो हिस्सों में बटा हुआ है, इस साइड भी वो पेड़ लगे हुए हैं, इस साइड भी पेड़ लगे हुए हैं, बीच में ये मेन गेट है और बीच में ये दोनों साइड है पार्क, जहाँ लोग सर्दियों की गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं मस्त करके, अपने अपनी फैमिली के साथ आए हुए। तो हम लोग बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं अभी जाके कि आखिर यहाँ पर भी क्या है। तो मेन जो बीच में ये है, ये एक चौराहा टाइप का है, इसके उस साइड भी एक गेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से ना चारों ओर को एक एक गेट है, देखिए इसमें वो जो सामने था जहाँ से मैंने आपको दिखाया था, इसमें वो गेट बिल्कुल सामने है, उस साइड भी वो है इको पार्क, और यहाँ से अगर हम यूँ देखें तो ये मतलब है ऊंचाई वाला स्थान, जहाँ से पूरा पार्क भी दिखाई दे रहा है, और पार्क के दोनों साइड वो जो हरे रंग का जाल लगा हुआ उसके अंदर पेड़ है, तो एक गेट उस साइड भी है, देखिए काफ़ी सुंदर, बहुत खूबसूरत है। तो ये था लखनऊ का इको पार्क, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है ना, मोस्टली लोग आए हैं अपने घर से खाना ना लेके आए हुए हैं और पिकनिक मना रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं पार्क में बैठ के और गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।